Hey, hi friends, welcome back to another video. So my name is Darshan Chaudhary and you are watching. तो फ्रेंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा और जो कि पिछले वाले वीडियो में बीबीके वाइन्स के स्केच में मैं बताया था कि एक और टूल जो कि हमारे स्केच टूल से उसमें ऐड होने जा रहा है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो फ्रेंड्स ये जो टूल से जो कि हर एक आर्टिस्ट को लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जिस टाइम मैंने स्केच क्रिएट करना स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी का जो पहले वीडियो हो गया आप देख सकते हो, तो फ्रेंड जब उस टाइम मेरा जो ड्राइंग उतना इम्प्रूव चाहिए था उतना इम्प्रूव नहीं था। और फ्रेंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है जो कि 350-400, और किसी को एक्सपेंसिव लगता है और किसी को नहीं भी लगता है। फ्रेंड जो बैटरी इरेजर है वो ज़्यादा तो जो आपकी स्केच होती है वो हाईलाइट करने में आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने ये वाला जो टूल्स है वो बाय किया है फ्लिपकार्ट से, तो ये मुझे 350 में अवेलेबल हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये घर पे आ चुका है, तो उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अब तक के नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन वाला बटन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लग गया तो इसके वजह से अभी जो हाईलाइट करने प्रॉब्लम
फ्रेंड्स इसे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम इसे बार बार आपको कुछ डार्क पार्ट पे आपने चलाया तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका जो मुंह है वो ऐसा ब्लैक हो जाएगा ग्रेफाइट की वजह से, तो ये फिर से हाईलाइट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आपको बार बार इस तरीके से क्लीन करना होगा और फिर से हाईलाइट के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक इरेजर है उसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अभी बहुत जनों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि एक ब्रुस्टो जो कि 450 तो 500 तक के रेंज में आता है और ये वाले इरेजर है जो कि आपने परचेस किया है वो 350 के रेंज में, तो फ्रेंड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रांड्स का डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपको पसंद आए वो परचेस कीजिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला बटन आएगा उसको हिट करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।